तो अभी हमने चेक पोस्ट से निकल के सीधा पेट्रोल पंप पे आए हैं 10-15 किलोमीटर के बाद। और अभी टैंक फुल करा लिया है अपना बाइक का, तो अब कोई टेंशन नहीं रहेगी आगे। तो द्रास यहाँ से 10-12 किलोमीटर रह गया है, द्रास जाके कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद अपना वार मेमोरियल है वहाँ जाएंगे, और उससे फिर वापस आना पड़ेगा। द्रास से रास्ता करता है शंकु, शंकु वैली के लिए। खूबसूरत व्यू है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ये देखिए। तो हमारा पेट्रोल टैंक हो गया है फुल, और साथ में हमने एंट्री भी करा ली थी। उसके बाद हम सीधे आ रहे हैं, अभी 10 किलोमीटर तो 8-9 किलोमीटर रह गया है अपना द्रास, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट कोल्ड इनहैबिटेड सिटी है, मतलब कि प्लेस है द्रास को माना गया है। वहाँ कई बार -40 तक चला जाता है टेम्परेचर, इतना मतलब कि ठंडा हो जाता है वहाँ पे। ये लिखा हुआ है सामने बोर्ड, देखिए, वेलकम टू द्रास द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो -40 तक जाता है यहाँ पे, 40-50 बहुत मतलब कि ठंड होती है सर्दियों में। तो यहाँ पे कुछ खा पी लें, यही खा लें। चाय, लंच, डिनर तीनों हैं। अच्छा, यही कर लेते हैं फिर। गाइस, हम आए हैं हंगर पॉइंट पे अंकल जी के पास खाना खाने। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम है गुलाम हसन। गुलाम हसन, गुलाम हसन जी के पास आए हैं, और बहुत मतलब कि यहाँ का ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है ये देखिए, सिटिंग का बिल्कुल, बैठ के खाना खिलाते हैं अच्छी तरह। तो हमने अभी परांठे का ऑर्डर दिया है, चाय पराठा। तो 12 बज गए हैं, तो हम दोनों ब्रेकफास्ट कम लंच दोनों कर रहे हैं। तो कपिल भाई हैं बैठे, तो ये हमारे परांठे आ गए हैं, और बिरयानी का ऑर्डर दिया है, और ये सीटिंग है यहाँ का लोकल सीटिंग, ऐसे ही होती है, बिठा के खिलाते हैं आराम से। तो खा के बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने लोकल खाना खाया है पराठा, तो इनके स्टाइल का ही था, काफ़ी अच्छा था। चाय है पराठा और साथ में बिरयानी, बहुत ही मस्त। कल कश्मीरी पुलाव खाया था, आज वेज बिरयानी खाई थी। तो खाना तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, और बिल भी ज़्यादा नहीं आया। हम दो लोगों का 230 रुपये में हमारा काम हो गया। अगर आप आएँ तो ये यहाँ पे रुक के खा के पी के जाएँ अपना द्रास, कारगिल, जहाँ भी लोकल प्लेसेस हैं इनके, मज़ा आ जाएगा आपको। जो फर्स्ट टाइम ये व्यू देखेगा, मेरी वीडियो देखेगा, अंदर तक दिल झंझोर के रख देगा आपको। बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ का चारों तरफ का। और आज की वीडियो तो आप पूरी देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत ही बढ़िया लैंडस्केप है, आपका मन करेगा कि मैं मुड़ के यहीं पे आ जाऊँगा। तो बहुत ही प्यारा सोनमर्ग, द्रास, कारगिल, सभी कुछ है, व्यू इतने प्यारे हैं, मज़ा आ जाता है यार देख देख के, मन नहीं भरता। ये मैं 4th-5th बार आ रहा हूँ। हम पहुँच गए हैं द्रास से कारगिल वार मेमोरियल, ये मेरे पीछे है कारगिल वार मेमोरियल, और ये 3rd time आया हूँ। फर्स्ट टाइम आया था उससे अब बहुत ही चेंज हो गया है। हर साल जब भी आओ कुछ ना कुछ आपको चेंज मिलता है। ये देखिए सामने, ये कुछ नहीं होता था, ये सब बन गया है, पेड पार्किंग हो गई है। 2018 में फ्री पार्किंग थी यहाँ पे, कुछ नहीं होता था। तो अब आईडी दिखानी पड़ेगी आपको, आईडी दिखा के फिर आगे जाना है आपको। और यहाँ का व्यू देखिए चारों तरफ, ये फाइटर खड़ा है हमारा, और ये सामने मेमोरियल है ओपी विजय। काफ़ी कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे हेलीपैड भी बन गया है, ये बोफोर्स तोप, सामने छोटी छोटी तोप रखी हुई हैं। और जब वार हुई थी ये सामने इन पहाड़ियों के ऊपर, सारे पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया था, और उसको जीतने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जंग हुई थी 1999 में, कारगिल वार। तो उसकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है, सारे जितने भी शहीद हुए थे सभी के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। आपको एक 360 व्यू दे देता हूँ यहाँ का पूरा, जो कारगिल वार मेमोरियल है सामने, ये देखिए चारों तरफ का व्यू बहुत ही शानदार है।
ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। कभी भी इस रूट से आएँ तो कारगिल वार मेमोरियल ज़रूर आएँ, यहाँ की आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त फाइट हुई थी, हमारे सोल्जर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त फाइट की थी। तो ये हमारा फाइटर जेट और वो कारगिल के वीर जवान जो शहीद हुए हैं सारे सामने, और ये चारों तरफ का व्यू, इसमें पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है जो 1999 में ये युद्ध हुआ था, द्रास सेक्टर में लड़ा गया था। ये पोज करके आप पढ़ लेना इसको। यहाँ पे ये बंकर, पाकिस्तानी के बंकर पड़े हैं सामने, वो वाइट नज़र आ रहा होगा पीछे, और ये पहाड़ियों पे इन्होंने बंकर में रह रहे थे, ये जितने भी पाकिस्तानी के दुश्मन थे सभी बंकर बना के, लोहे के बंकर थे, और बंकर को उठा के लाए हैं हम सारे। तो ये अभी रेनोवेशन हो रहा है इसका, अभी एक दो साल में खुल जाएगा ये, फिर हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो अब आगे चलते हैं क्योंकि हमें जाना है रंगदुम, वहाँ से यहाँ से भी लगभग 150 किलोमीटर और होगा, अभी हमें लगे हैं 2-3 घंटे लगने वाले हैं। और तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है कारगिल वार मेमोरियल और द्रास भी हो गया, अब आगे चलते हैं मेन कारगिल, वहाँ से निकल जाएंगे अपना रंगदुम। ये मनमन पास जाना हमने, मनमन टॉप जाना है। हाँ, सुरू वैली, सुरू वैली बंद है, आधा रास्ते तक आप पूछ सकते हैं मनमन टॉप तक। नहीं, हमने तो आगे जाना है, सुरू वैली जाना है, सुरू रोड बना रहे हैं, अभी नहीं जा सकते, अभी रोड बंद है ना सर। अच्छा, आपको यहीं से उधर जाना था? हाँ, मैंने पार जाना था मनमन से होते हुए। हाँ, जंस्कार यहाँ से नहीं पूछेगा सर, अभी रोड बंद है यहाँ से। हाँ, क्योंकि अभी वहाँ रोड बना गिरा है। अच्छा, बंद है, रोड भी बना रहा है, ऊपर पूरी बर्फ दिख रही है ना, ये ऊपर ये रोड जा रहा है ना रास्ता, नहीं आधे रास्ते भी जा सकते हैं। हाँ, कारगिल। तो हम द्रास, अपना कारगिल वार मेमोरियल से वापस द्रास आए, पता करने की भाई हमने मनमोहन टॉप से जाना था शंकु वैली जंस्कार के लिए, लेकिन भाई बोल रहे हैं कि बंद है रास्ता, ये हमारा नया रूट हो जाता। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वापस चलते हैं, फिर उसी 6 किलोमीटर हम वापसी आए हैं, 6 किलोमीटर फिर वापस जाएंगे। और अभी कैन में पेट्रोल भी डलवाना है क्योंकि रूट ऐसा है कि वहाँ पे आगे एमरजेंसी हो सकती है, तो पेट्रोल ज़रूरी है। पदुम में कई बार पेट्रोल मिलता नहीं, मिलता कुछ नहीं कह सकते, इसलिए अपना 10 लीटर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। कारगिल वार से हम गए थे द्रास, और द्रास से फिर वापस आ गए हैं कारगिल वार मेमोरियल। सामने देखिए ये रहा, जिसको अभी हमने एक्सप्लोर किया है। तो अब जा रहे हैं रंगदुम, और बीच में कारगिल से पहले एक गौतम बुद्ध का जो चट्टान पे एक मूर्ति बनी हुई है उसको भी देखेंगे। ये जो दीवार बनाई हुई है इसकी भी एक स्टोरी है, जब 1999 में कारगिल वार चल रहा था तो सामने ही हमारे पाकिस्तान के दुश्मन थे ये पीछे की पहाड़ियों पे, तो हमारा जो भी ट्रुप्स निकलता था उस पर अटैक होने का खतरा था, इसलिए ये रातों रात दीवार बनाई गई, ऐसी कोई स्टोरी मैंने सुनी है। तो कारगिल यहाँ से जस्ट 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और हमने पेट्रोल तो डलवा लिया था, लेकिन अपने जो अपने बॉक्स में पेट्रोल डलवाना है कैन में, तो दोनों कैन फिल करवा लेते हैं क्योंकि अब हमारा जंस्कार ट्रिप शुरू हो रहा है। यहाँ से हम निकल जाएंगे अब रंगदुम की तरफ, और आज बहुत प्रॉब्ली हम रंगदुम ही स्टे करेंगे, अगर समय बचा तो फिर देखेंगे, अंधेरे में नहीं क्रॉस करेंगे। उनकुन फिलिंग स्टेशन पे कारगिल में हमने पेट्रोल अपने कैन में डलवा लिया है, और हवा भी चेक करवाई तो बहुत कम थी मेरी, तो 22 पॉइंट 21 पॉइंट ऐसी थी दोनों में,
तो हवा भी मैंने डलवा ली। तो अब चल पड़े हैं हम सीधा रंगदुम के लिए। आज का स्टे रंगदुम है और इससे पहले शंकु वैली में देखते हैं, कुछ देखने का होगा तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है कारगिल की मार्केट, हम कारगिल में एंटर कर गए हैं और रंगदुम के लिए एक कोई अलग से रास्ता कटेगा, देखते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये है कारगिल, लद्दाख में एंटर कर गए हैं क्योंकि कारगिल लद्दाख का यूटी का पार्ट हो गया ये। तो ऑलमोस्ट हमने कारगिल को क्रॉस कर लिया है। कारगिल बहुत बड़ा है यार, मैं लगता नहीं था हम बाईपास से निकल जाते थे, पता नहीं चलता था, लेकिन अभी 15-20 मिनट से मैं कारगिल के अंदर से ही निकल रहा हूँ, अभी भी कारगिल ख़त्म नहीं हुआ है। तो बहुत बड़ा कारगिल है। तो जब से यूटी बना है तो पहली बार मैं आया हूँ, अभी ये लद्दाख रीजन के अंदर आ गया है कारगिल हमारा। और पहाड़ देख लो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, हिमालय के पहाड़। तो ये रास्ता जा रहा है जंस्कार को, और सबसे पहले यही रास्ता था, एक ही रास्ता था जंस्कार के लिए, और उसके बाद छिंकला वाला रास्ता खुला और अब निमू वाला रास्ता खुल गया है। तो चार रास्ते हैं टोटल अब जंस्कार में एंटर करने के, और किसी समय में एक रास्ता होता था, अब तो जंस्कार काफ़ी फेमस हो गया है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू, साथ में रिवर चल रही है, दोनों तरफ पेड़ हैं, पहाड़ हैं, वाह वाह मज़ा आ गया यार। तो गाइस देखिए, आप घर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं इस व्यू का, और हम मेहनत कर रहे हैं, बाइक भगा रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है भाई बाइकिंग में। आज हमारी राइड का डे 3 है, सुबह चले थे सोनमर्ग से पहले 12 किलोमीटर पहले, और अभी कारगिल को क्रॉस कर लिया है और रंगदुम की तरफ जा रहे हैं। आज का स्टे रंगदुम है और पहले आएगा शंकु वैली, उसके बाद आएगी सुरु वैली, शंकु सुरु फिर आई थिंक आएगा रंगदुम। तो गाइस लगता है हम सुरु वैली पहुंच गए हैं, सुरु वैली, और ये रास्ता इतना लाइव रास्ता है बता नहीं सकता, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है यार, चारों तरफ पेड़ पौधे और लाइव है, मतलब ये मकान जगह जगह मकान बने हुए हैं। ओके शंकु, तो गाइस हम पहुंच गए हैं शंकु में, शंकु विलेज, और ये देख लीजिए कितना खूबसूरत है शंकु विलेज, ग्रीनरी है यहाँ पे, कीप शंकु टाउन क्लीन एंड ग्रीन। ये शंकु विलेज है और मैत्रेय बुद्ध स्टैचू करसे खार, यहाँ से 4.3 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा हमें। तो ये विलेज के अंदर से ही रास्ता जाता है लेफ्ट को, गूगल भाई तो कंफ्यूज कर रखा है उसने, वो तो बता ही नहीं रहा, अभी पूछ के जा रहे हैं हम। तो पहाड़ पे कम से कम 1000 साल पुराना वो स्टैचू है, और एक स्टैचू था अफगानिस्तान में जिसमें तालिबान ने उड़ा दिया था बम से, वैसा ही स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत ही हिस्टोरिकल बुद्धा स्टैचू है। और एक पहले सोता था ना ऊपर, ये ऊपर महल पैलेस, राजा का पैलेस है। ये गांव का नाम क्या है, कस्ते का। तो हम पीछे छोड़ा है बुद्धा स्टैचू को, तो ये पीछे है अपना पैलेस, ये यहाँ पे जो पहाड़ है उसके ऊपर है, जो ऊपर से दिखाई दे रहा था। चलते हैं वापसी, सारे मिट्टी के घर बने हुए हैं यहाँ पे। बुद्धा स्टैचू कहाँ है, बुद्धा स्टैचू अंदर को, बाइक चला जाएगा, बाइक चला जाएगा, हाँ उधर से ऊपर, हाँ,
बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। अच्छा यहाँ से बाइक कैसे जाएगा? तो गाइस हम जा रहे हैं गौतम बुद्ध का मैत्री बुद्ध स्टैचू देखने, और ये रास्ता है, और हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे लेकिन ये बच्चे सारे हेलो बोलो हेलो, तो बच्चे लेके जा रहे हैं हमें बुद्ध स्टैचू दिखाने। ये है कितना पुराना है, 1000 साल पुराना है। तो ये देखिए मैत्री बुद्ध स्टैचू कम से कम 1000 साल पुराना है, जो चट्टान को काट के बनाया है। ये शंकु विलेज में आपको मिलेगा देखने को, ब्यूटीफुल है यार, मज़ा आ गया। हजारों साल पहले भी लोग कितने जीनियस होते थे, ग्रेट।